चलो मनी जी, कन्हैया का जिक्र मैं देख रहा हूं, हर नेता कर रहा है। अगर कन्हैया इतना ही दोषी है तो आपकी सरकारें हैं, पुलिस है, आप उसे जेल में क्यों नहीं डालते? इतना ही दोषी है तो जेल काटा है कन्हैया कुमार ने, कन्हैया कुमार ने जेल काटी है। कन्हैया कुमार की चार्जशीट को आम आदमी पार्टी की सरकार दबाकर रखी थी, रखा था, News 24 की खबर थी, बाकी प्रोसीडिंग चल रही है। कोई ऐसा गद्दार बचेगा नहीं, इस फिराक में मत रहिए, कोई गद्दार बचेगा नहीं, भरपूर इलाज होगा। लेकिन राहुल गांधी जी कितने गर्व के साथ उसको लेकर घूमते हैं, राहुल गांधी जी कैसे गर्व के साथ ऐसे पादरियों को महत्व देते हैं जो इस देश में नस्लीय हिंसा बढ़ाना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं। और ये बात कर रहे हैं जोड़ने की 1984 की कांग्रेस ने क्या किया, किसको याद नहीं है? छोटे छोटे मासूम सिख बच्चों के गले में जलते हुए टायर डाल दिए, मासूम सिख बहनों के साथ क्या क्या किया कांग्रेस के नेताओं ने, उन नेताओं के साथ क्या किया राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने? आज आप जोड़ने की बात करते हैं और इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया। आपके अंदर साहस नहीं है कि आप गुजरात में आकर लड़ाई लड़ पाइए। इस भारत जोड़ो यात्रा के बीच में राहुल गांधी जी एक दिन के लिए आए थे, वहां जो खाली मैदान था, जो खाली कुर्सियां थी, उन्होंने कहानी बता दी। उसके बाद दोबारा राहुल गांधी जी नहीं लौटे क्योंकि पूरी की पूरी जनसभा आपकी फ्लॉप हुई। आज आपके पास जनाधार नहीं बचा, और इस कारण से नहीं बचा कि आप धारा 370 के मसले पर, अगर भारत जोड़ो को इतना आपकी हिम्मत है, आप कहते हैं भारत जोड़ने वाले व्यक्ति हैं, तो आप तो भारत तोड़ने वाले निकलते हैं। क्यों? क्योंकि धारा 370 की आप वकालत करते हैं। अभय जी, अभय जी, जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स जल्दी से। देखिए, राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर में जैसे पीड़ितों का कत्लेआम किया जा रहा है, टारगेटेड किलिंग की जा रही है, उसके खिलाफ मुखरता समाज उठा रहा है, कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया नरेंद्र मोदी जी की सत्ता के स्तर पर। इन्होंने कहा था हजार आर्टिकल 33 होने के बाद, तो सरकार खुद बताती 7 पीस ऑफ लैंड वहां पर, वो भी जम्मू के रीजन में है। इन्होंने कहा था उद्योग होगा, एक फूडिंग औद्योगिक निवेश वहां होगा, गुजरात में तिल कर लोग पूर्वी के ऊपर एक मच्छर मार का रैकेट बनाने को 150 साल बनाने जो रिट्रोफिटिंग कर का ठेका दे दिया, जहरीली शराब से। देखिए अभय जी, लेकिन सवाल तो यही पूछा जाता है ना लास्ट में, एक ही सवाल जनता आपसे पूछती है कि ठीक है बीजेपी में इतनी खराबियां हैं, बीजेपी ने अगर विकास नहीं किया है तो फिर कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं जीत पा रही है? आप यात्रा निकालें, आप कोई भी कार्यक्रम निकालें, आपका मैसेज जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न। कांग्रेस पार्टी बुनियादी सिद्धांत से जो आइडिया समझौता कर रही, इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी परस्ती नहीं हिंदू गढ़ने की कोशिश तरीके से, लेकिन राहुल गांधी सांप्रदायिक सौहार्द के साथ बढ़े। हम अगर कोशिश करते तो भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं रहता, लेकिन हम प्रजातंत्र के साथ उसके बुनियादी सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ठीक है। यहाँ पर देश में दो विचार देखने को मिल रहे हैं। एक विचार बीजेपी का है जो कह रही है कि देश में जिस तरह से विकास हो रहा है, एकजुटता इससे पहले कभी नहीं थी, देश जितना समृद्ध जितना आजाद आज है इससे पहले कभी नहीं था। दूसरी तरफ कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देश में युवा हो किसान हो खौफ में है, डरा हुआ है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है। प्रकाश सिंह नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।